ये देखो यारो, मेरा आइस मेकिंग पेन। इसके पीछे के बटन को प्रेस करोगे तो इसमें से लेजर रेज निकल के जिस चीज पे भी पड़ेगी वो चीज बर्फ की बन जाएगी यार। और इसी रेज से उस बर्फ को काट के कोई भी चीज रियल में बना सकते हो। हाँ यारो, जैसे बादलों में रेज डाली तो वो बर्फ के बन जाएंगे, फिर उन्हें इन्हीं रेज से काट के रियल में बर्फ का घर भी बना सकते हो यार। हाँ बड़े भैया, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। बादलों में घर का आइडिया बहुत ही अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग बादलों में आइस हाउस बना कर रहेंगे। कितना मजा आएगा, सफेद सफेद बादलों में सफेद सफेद अपना घर। कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई झिकझिक नहीं। अरे मोटू, वापस आ जाओ। ज्यादा अपने अकल के घोड़े को मत दौड़ाओ। फुरफुरी नगर से अच्छी जगह कोई भी नहीं। हाँ यार, हम लोग यही अच्छे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अगर तुम लोगों का मन नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा डॉक्टर झटका, हम लोग चलते हैं। पतलू, ये देखो पेन। मोटू, तुमने डॉक्टर झटका को बिना बताए पेन ले लिया। पतलू मेरे साथ एक बार चलो, बादलों के बीच में रहकर देखते हैं कि एहसास क्या होता है। चलो ना पतलू। नहीं नहीं, मुझे तो अपना घर ही प्यारा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पतलू, तुम अपने दोस्त की एक छोटी सी बात भी नहीं मान सकते। हाँ? अरे मेरा कोई सच्चा दोस्त है ही नहीं। बस करो बस करो, बहुत हो गई ओवर एक्टिंग। तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं तैयार हूँ, वैसे मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है। जय हो! अरे हमारा बादलों के बीच में घर होगा। और ये चिंगम सर का पुलिस स्टेशन, और ये रहा बड़े भैया का लैब। अरे हाँ, चाय वाले के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तुम इन सबको यहाँ पे बुलाओगे? हाँ तो, दोस्तों के बिना जीना भी कोई जीना है क्या? हाँ? देख लो सपने, अरे यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। अरे सब आएंगे पतलू, सब आएंगे। इस समय सब सो रहे होंगे, हम लोग उनको अभी जाकर यहाँ ले आते हैं। और जब सुबह उठकर वो देखेंगे तो उनसे क्या कहोगे? अरे तब की तब देखी जाएगी, अभी तो चलो। मोटो ये क्या कर रहे हो? ये लोग जब सो के उठेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे देखना, ये लोग बहुत खुश होंगे। एक बार बादलों के बीच रहने के बाद ये लोग यहाँ पे कभी वापस नहीं आएंगे। ये क्या, रात में पूरपुरी नगर में इतना बर्फ गिरा? गुड मॉर्निंग बड़े भैया, कैसा लग रहा है? चलो सब मिलकर स्केटिंग करते हैं। उड़ी बाबा, स्केटिंग तो बाद में करेगा, लेकिन पहले ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? चिंगम सर, डॉक्टर झटका की पेंसिल। अरे तुम सब मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हो? मैं तुम लोगों की हमेशा हर बात मानता हूँ। अरे तुम कभी मेरी बात भी तो मानो। मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा तो एक दो साल रह के हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, पक्का। एक दो साल? क्या बोलते हो? पर यहाँ पर हम एक दो साल रहेंगे कैसे? कैसे 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 कैसे?
तुम लोग अगर घर जाने की बात करोगे तो ये देखो कार की चाबी, मैं ये चाबी नीचे फेंक दूंगा। चाय वाले भैया जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो, इस मौसम में समोसे जन्नत ही जन्नत। क्या हुआ मोटू, स्केटिंग नहीं करोगे? अरे पतलू मुझे ऊपर खींचो। ठीक है पर पहले चाबी तो दो। चाबी नहीं दूंगा। अरे मोटू तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, आओ ऊपर आओ। और रहो बादलों में, ऐसी परियों की दुनिया जो कहानियों में ही अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग तो यहाँ रह नहीं सकते। अरे चाय वाले भैया क्यों रो रहे हो, ठंडी में समोसे बनाते बनाते तुम्हें थोड़ी सी भी गर्मी नहीं लगेगी? इस तरह तो हम सबका काम धंधा चौपट हो जाएगा यार, मोटू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ यार मेरे पास एक आइडिया है। बिजली क्यों कड़क रही है? लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये भी सुना है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मोटू तुम्हारी कहावत तो सही थी लेकिन टाइमिंग गलत थी। अरे कैसे बादल हो, बादल होकर बादलों पर बिजली गिरा रहे हो? अपनी बिरादरी के साथ कोई ऐसा करता है क्या? बादल ही बादल के दुश्मन बन गए। अरे मैं क्या करूं? तुम्हारा ही तो प्लान था कि बादलों में अपनी अलग दुनिया बसाएंगे, अभी एक दो साल यही रहना है। सॉरी सॉरी गलती हो गई। एक दो साल तो छोड़ो, मुझे एक मिनट भी यहाँ नहीं रहना है। तो फिर अब क्या करोगे? अभी घर चलते हैं, मुझे घर की याद आ रही है, नीचे चलो। यहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ है। तुम्हें तो बादलों में रहना था ना, बादल तो उड़ते हैं, उड़कर आ गए होंगे। अरे अब क्या करना है, अपने अंतिम समय की तैयारी कर लो सब। मोटू मेरे यार, मेरे भाई तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय बहुत ही अच्छा था यार। आपने 20 साल के तजुर्बे में हम ऐसा दिन कभी नहीं देखा। अरे मोटू अगर तुम हम सबको यहाँ लेकर नहीं आते तो ऐसा दिन कभी नहीं आता। अब पूरी नगर पर चोरों का राज होगा, जॉन डॉन बन जाएगा। सॉरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी। बड़े भैया पतलू कुछ करो प्लीज, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ठीक है मैं कुछ करता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि ऐसी हरकत तुम दोबारा कभी नहीं करोगे ना? ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, पक्का प्रॉमिस, ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूँगा। पतलू कार की चाबी पता नहीं कहाँ खो गई है। ये रही चाबी, तुमने जब गिरा दी थी ना तो मैंने उठा ली थी। प्लीज पतलू प्लीज जल्दी करो। मोटू जल्दी आओ। स्टार्ट
मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। उ, 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 उ,